बच्चों, आज हम हिंदी विषय में नया लेसन स्टार्ट करेंगे। पार्ट 8, जंगल में फैशन शो। जंगल में सभी जानवर बैठे हैं। कौवा ढोल बजाकर घोषणा करता है। तो बच्चों, घोषणा का मतलब होता है अनाउंसमेंट। तो जंगल में सभी जानवर कौवे के आसपास बैठे हैं और कौवा ढोल बजाकर अनाउंसमेंट कर रहा है। सारे जंगल वासियों सुनो, कल शाम को 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे फैशन शो होगा। जो भी जानवर इसमें भाग लेना चाहे, अपने जोड़े के साथ सच धज कर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। तो बच्चों, कौवा अनाउंसमेंट करता है कि सारे जंगल वासियों सुनो, कल शाम को 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे हम सब मिलकर फैशन शो करेंगे, और जो भी जानवर इसमें भाग लेना चाहता है वह अपने जोड़े के साथ सच धज कर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। झुंड में सभी पशु आपस में बातचीत करते हुए, जब कौवा अनाउंसमेंट कर देता है फैशन शो के बारे में, तब उसके बाद सारे पशु आपस में बातचीत करते हैं। ऊंट कहता है, पता है इस फैशन शो में सभी को अपने जोड़े के साथ आना होगा। जो जानवर बिना जोड़े के अकेला होगा वह इस फैशन शो में भाग नहीं ले पाएगा। तो फैशन शो की क्या शर्त है बच्चों? कि इस फैशन शो में अगर आप भाग लेना चाहते हो तो आपको अपने जोड़े के साथ आना होगा। अगर आपका जोड़ा नहीं है तो आप इस फैशन शो में भाग नहीं ले पाओगे। हिरन कहता है, पता है इस फैशन शो में केवल पशु भाग ले सकेंगे, पक्षी नहीं। इसीलिए न्यायाधीश के रूप में उल्लू, तोता और मोर को चुना गया है। दूसरा दृश्य, जानवरों की तैयारी के कुछ दृश्य। अभी सब जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं और फैशन शो की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हाथी कहता है, यह फैशन शो तो हमें ही जीतना होगा। इतना बड़ा जानवर हार जाए तो शर्म की बात होगी। जानती हो, हम वह पोशाक पहनेंगे जो हमारे शरीर की खासियत और अंग की विशेषता को उभारे। तो हाथी अपनी हथिनी को कहता है कि हथिनी, यह फैशन शो तो हम ही जीतेंगे। अगर इतना बड़ा जानवर हार जाएगा तो शर्म की बात होगी हमारे लिए। हम वो पोशाक पहनेंगे जो हमारी शरीर की खासियत और अंग की विशेषता को उभार दे सके। हथिनी कहती है, यह सलाह तुम्हें जरूर बुद्धिमान कुत्ते ने दी होगी। वह सबसे ज्यादा समझदार है, पर वह भी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। तो हथिनी हाथी से कहती है कि हाथी, यह सलाह तुम्हें जरूर बुद्धिमान कुत्ते ने दी होगी। वह सबसे ज्यादा समझदार है हम सब में से, लेकिन वह भी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धा। हाथी कहता है, नहीं, वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। पर हाँ, यह सलाह उसी ने सबको दी है कि सब अपनी विशेषता को निखारे और कमजोरी को छिपाए, तभी उन्हें लाभ होगा। इसीलिए मैं निक्कर पहनूंगा ताकि मेरी हष्ट पुष्ट टांगे नजर आए। तो हाथी अतिनी को कहता है कि वह इस स्पर्धा में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ, यह सलाह उसने सबको दी है कि सब अपनी विशेषता को उभारे और अपनी कमजोरी को छिपाए। जो अंग उनके शरीर में से सबसे ज्यादा अच्छा हो उसे वो लोग उभारे, तभी उन्हें इस फैशन शो में लाभ होगा। तो मैं अपनी हष्ट पुष्ट टांगे सबको नजर आए इसलिए मैं निक्कर पहनूंगा। जिराफ और उसकी पत्नी। जिराफ कहता है, मैं तो गले में टाई बांध कर जाऊंगा क्योंकि मेरी लंबी गर्दन ही मेरी शान है। तो उसकी पत्नी कहती है, और मैं अपनी लंबाई को और बढ़ाने के लिए ऊंची एड़ी वाली चप्पलें पहनूंगी। ऊंट और ऊंटनी।
ऊंट कहता है, सुनो, हमें अपना कुबड़ छिपाने के लिए पीठ पर एक खूबसूरत दुशाला डाल लेना चाहिए। ऊंट अपनी ऊंटनी को कहता है कि ऊंटनी, हमें अपना कुबड़ छिपाने के लिए पीठ पर एक खूबसूरत दुशाला डाल देना चाहिए। तो ऊंटनी कहती है हाँ, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए खूब सारी मालाएं और पैरों में घुंघरू बांध लेने चाहिए, क्योंकि ऊंट की गर्दन और पैर दोनों लंबे होते हैं। इसलिए ऊंटनी कहती है कि हम गले में बहुत सारी मालाएं पहन लेंगे और पैरों में घुंघरू बांध लेंगे। हिरनी कहती है, मैं तो अपनी गजरारी आंखों को और सुंदर बनाऊंगी। तो हिरन कहता है, और मैं अपने सिंग सजाऊंगा। बंदर बंदरिया। बंदर अपनी बंदरिया से कहता है, ये लो, यह रहा तुम्हारा लहरियादार लहंगा और यह है मेरी गोटे वाली टोपी। बस अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तुम छमछम करोगी तो हम छा जाएंगे। बंदर बंदरिया से कहता है कि तुम लहरियादार लहंगा पहन लो और मैं गोटे वाली टोपी पहन लेता हूँ, और अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, जब तुम छमछम करोगी तो हम फैशन शो में छा जाएंगे। भालू और घोड़े में बातचीत। भालू कहता है घोड़े से, अरे भाई, तुमने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की, मैं तो अपने बालों को रंगवाने जा रहा हूँ। आपको पता है ना, भालू के बाल कितने सारे होते हैं, तो वो अपने बालों को रंगवाने के लिए जा रहा है फैशन शो के लिए। घोड़ा हंसकर कहता है, भूल गए, हमारे पास तो बनी बनाई पोनी टेल है, हम उसे ही सजा कर आएंगे। उसकी जो पूंछ होती है ना, पोनी टेल जैसी होती है घोड़े की। तो घोड़ा हंसकर भालू को कहता है कि हमारे पास तो बनी बनाई पोनी टेल है, हम तो उसी को सजा कर आएंगे फैशन शो में। बिल्ली आईने में अपनी छवि देखकर मन ही मन खुश होती हुई और स्वयं से बात करती हुई। बिल्ली आईने में अपनी छवि छवि यानी कि अपनी तस्वीर चित्र देखती है और मन ही मन खुश होती है और स्वयं स्वयं यानी कि खुद से बात करती है। बिल्ली कहती है, देख ली मैंने सबकी तैयारियां, मेरी तैयारी सबसे अच्छी है, माला, नथिनी, घुंघरू, लहंगा, ओढ़नी, काजल, सब कुछ सबसे बढ़िया। सबकी तैयारियां देखकर, सबकी नकल कर मैंने सारा इंतजाम पूरा कर लिया, मुझे तो कोई मात दे ही न पाएगा। अरे समय हो गया, चलो बरगद के पेड़ की ओर। तो बिल्ली सबकी तैयारियां देखती है छुप छुप कर और फिर खुद तैयार होती है और कहती है कि मैंने सबकी तैयारियां देख ली है और मैंने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है जीतने का, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। अब समय हो जाता है और मैं बरगद के पेड़ की ओर जाती हूँ। तीसरा दृश्य। कौवा घोषणा करने की तैयारी करता हुआ मोर, तोता, उल्लू पेड़ पर न्यायाधीश का स्थान ग्रहण करते हैं। संगीत के साथ साथ जानवरों के जोड़े प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, कौवा अनाउंसमेंट करने की तैयारी करता है, उसी के साथ मोर, तोता और उल्लू जो न्यायाधीश है यानी कि जज है इस फैशन शो के, वो अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और संगीत के साथ साथ जानवरों के जो जोड़े होते हैं तैयार होकर आए हैं, वो प्रवेश करते हैं एक के बाद एक। कौवा कहता है, अब शुरू होने जा रहा है जंगल का पहला फैशन शो, अपनी अपनी सीटों पर शांति से बैठ जाइए। देखिए, आ रही है नथिनी पहने हथिनी और निक्कर पहने हाथी, लहंगा पहने मटकती बंदरिया, साथ में टोपी पहने उसका साथी, तालियां बजती है। तो बच्चों, कौवा अनाउंसमेंट करता है कि अब शुरू होने जा रहा है जंगल का पहला फैशन शो और एक के बाद एक जानवर अपने जोड़े के साथ आते हैं। हिरन के सींग और हिरनी का कचरा और बिल्ली मौसी के बालों में गजरा। पर अरे अरे, बिल्ली मौसी को रोक दिया गया क्योंकि वे अकेली है, उनका साथी नहीं है। अरे साथी तो भालू का भी नहीं है। अब बिल्ली और भालू दोनों ही फैशन शो से बाहर हो गए। बिल्ली और भालू बाहर जाते हुए, बस अब थोड़ा सा ही इंतजार कीजिए, न्यायाधीश परिणाम तैयार कर रहे हैं। तालियां बजती हैं। तो बच्चों,
बिल्ली और भालू को फैशन शो से बाहर कर दिया गया क्योंकि वे अपने जोड़े के साथ नहीं आए थे, वो अकेले आए थे। और वो बाहर चले जाते हैं, तब कौवा कहता है कि न्यायाधीश जो है उल्लू, तोता और मोर वो परिणाम तैयार कर रहे हैं कि कौन जीता है इस फैशन शो में। चौथा दृश्य, बिल्ली और भालू भागते हुए शेर के पास पहुंचते हैं। जब उन्हें फैशन शो से बाहर कर दिया गया तब वो बिल्ली और भालू भागते हुए शेर के पास जाते हैं। बिल्ली हांफते हुए, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, आपकी जानकारी के बिना जंगल में फैशन शो हो रहा है। न जाने किसने उल्लू, तोता और मोर को न्यायाधीश बना दिया, परंतु जंगल के राजा तो आप हैं। आपके अलावा और कोई न्यायाधीश कैसे हो सकता है। बिल्ली और भालू फैशन शो से बाहर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो शेर के पास जाते हैं उन लोगों की शिकायत करने के लिए। और उन्हें कहते हैं कि जंगल के राजा तो आप है, तो न्यायाधीश तो आपको ही होना चाहिए, और आपकी जानकारी के बिना जंगल में फैशन शो कर रहे हैं वो सब लोग। भालू कहता है, पशुओं के फैशन शो में पक्षियों का क्या काम। तो शेर दहाड़ते हुए कहता है, अच्छा मैं अभी खोज खबर लेता हूँ कहाँ है सब। तो बिल्ली कहती है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे। शेर दहाड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और झपटता है, तो फैशन शो के सभी प्रतियोगी घबरा कर इधर उधर भाग खड़े होते हैं। बिल्ली और भालू खुश होकर हाथ मिलाते हैं। तो बच्चों, शेर दहाड़ते हुए जब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और झपटता है सबको खाने के लिए, तब फैशन शो के जो प्रतियोगी यानी कि जिन्होंने इसमें भाग लिया था वो सारे पशु भागने लगते हैं, और बिल्ली और भालू जो होते हैं वो खुश होकर हाथ मिलाते हैं। कौवा कहता है, साथियों फैशन शो रद्द हो गया है, लेकिन इसके पीछे भालू व बिल्ली का हाथ है, क्योंकि मैंने पेड़ पर बैठे उल्लू, मोर व तोते ने बिल्ली और भालू को हाथ मिलाते देख लिया था। तो कौवा अपने साथियों को कहता है कि साथियों फैशन शो अब रद्द हो गया है, रद्द यानी कि कैंसिल हो गया है, और इसके पीछे भालू व बिल्ली का हाथ है, क्योंकि हम सब ने भालू और बिल्ली को हाथ मिलाते देख लिया है। सब पशु कहते हैं, अब हम सब बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने रंग में भंग डाला है। यदि बिल्ली और भालू समझदार होते तो इस प्रकार रंग में भंग नहीं डालते, बल्कि आपस में मिलकर अपनी जोड़ी बना लेते और फैशन शो में शामिल हो सकते थे। तो बच्चों, सब पशु मिलकर अपनी जो दोस्ती होती है बिल्ली और भालू से वो तोड़ देते हैं, और रंग में भंग डालना एक मुहावरा है, उसका मतलब होता है कि खुशी में बाधा डालना। अगर बिल्ली और भालू समझदार होते तो अपनी जोड़ी बना लेते और फैशन शो में शामिल हो सकते थे। इसके बाद से जंगल के सभी जानवरों ने बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ दी। बच्चों, इस कहानी को लिखा है डॉक्टर मधु पंत ने। आपको यह कहानी रीड करनी है। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।